ऑस्कर में नियाज खान, विश्व पटल पर 135 करोड़ भारतीयों का नेतृत्व करने वाले पीएम मोदी लाजवाब है। भारत के इतिहास में मोदी जैसा न कोई प्रधानमंत्री हुआ है और शायद ना ही कोई कभी होगा। सबको साथ लेकर चलने वाले पीएम मोदी सबका विश्वास जीतना भी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो हिंदुत्व विचारधारा रखने वाले पीएम मोदी हर धर्म का सम्मान करते हैं। सियासी विरोधियों की नजरों में भले ही पीएम मोदी को मुस्लिम टोपी से इनकार हो, लेकिन इस्लाम के प्रति उनका सम्मान जग जाहिर है। तभी तो सालों से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ा रहे मोदी ने एक बार फिर दरगाह के लिए चादर भेंट की है। ये आठवां मौका होगा जब पीएम मोदी की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाई जाएगी। असल में पीएम नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर भेंट की है, जिसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर की है। तस्वीरों में आपको पीएम मोदी और मुख्तार अब्बास नकवी दिखेंगे, दोनों के हाथों में मौजूदा भगवा चादर जो इस बार दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। इस तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाए जाने वाली चादर सौंपी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हर धर्म और जाति के लोगों के लिए विश्वास और आस्था का केंद्र है। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, दोनों समुदाय के लोग यहां चादर पोशी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। वैसे पीएम मोदी के नाम पर अजमेर शरीफ दरगाह पर ऐसे समय पर चादर चढ़ाई जा रही है जब जन्नती दरवाजा खोला गया है। असल में अजमेर दरगाह पर 810वें सालाना उर्स के मौके पर जायरीनों के लिए जन्नती दरवाजा खोल दिया गया है। यह दरवाजा साल में सिर्फ 6 दिनों के लिए खुलता है। इसी वजह से न सिर्फ यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, बल्कि इसमें लोगों की गहरी आस्था भी देखी जाती है। हमेशा की तरह चांद रात पर खोला गया यह दरवाजा अब रजब माह का चांद दिखाई पड़ने तक खुला रहेगा और उर्स की धार्मिक रस्में शुरू की जाएंगी। तो 6 दिनों के लिए खुला जन्नती दरवाजा और इस बीच पीएम मोदी द्वारा भिजवाई गई चादर जो मुख्तार अब्बास नकवी दरगाह में चढ़ाएंगे, इसको लेकर सोशल मीडिया में कमेंट की बाढ़ आ गई है, या फिर यूं कहें कि ट्विटर पर बवाल मच गया है। पीएम मोदी के दरगाह पर चादर भेजने पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आइए कुछ ट्वीट पर नजर डालते हैं। प्रिया छेत्री नाम की ट्विटर यूजर कहती हैं, वह मोदी जी भगवा चादर, आपने तो करोड़ों हिंदुओं का दिल जीत लिया। सौरभ भट्टाचार्य नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं, अच्छा है कम से कम आप मुस्लिम समुदाय को स्वीकार कर रहे हैं, आशा है आपका यह कदम भारत के लिए कुछ अच्छे दिन लाएगा, लेकिन निश्चित रूप से यह आपको चुनावी टारगेट हासिल करने में मदद नहीं करेगा। नसीम अहमद सिद्दीकी नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं, अब आपके अंधभक्तों का क्या होगा, अंधभक्त तो आपके भरोसे सारी दरगाह तोड़ने की बात करते हैं। दीदी नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा गया है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हिंदुओं के नहीं बल्कि हर भारतीय के पीएम हैं। उन्हें हर वर्ग के साथ समान व्यवहार करना ही होगा। आप लड़कर दिल नहीं जीत सकते, बल्कि ताकत के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी आती है। अतीत से सीखो, लेकिन इसके लिए वर्तमान को खराब मत करो। तो पीएम मोदी की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए सौंपी गई चादर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा।